करण जौहर की फिल्म तख्त के अलावा गुड न्यूज भी अपने कास्ट के कारण खूब सुर्खियां बटोर रहा है। जहां एक तरफ करीना कपूर खान और अक्षय कुमार की जोड़ी बनी है, तो वहीं दूसरी तरफ दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी एक पंजाबी कपल बने हैं। करण की फिल्म गुड न्यूज में अक्षय और करीना कमबख्त इश्क के बाद 10 सालों के गैप के बाद एक साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। और अब इस फिल्म से एक्ट्रेस के किरदारों की कहानी का खुलासा होने के बाद से फैंस में उत्सुकता बढ़ गई है। इस फिल्म में अक्षय और करीना एक अमीर कपल बने हैं, जो शादी के 7 साल बाद IVF के जरिए माँ बाप बनने जा रहे हैं। वहीं कियारा और दिलजीत एक ट्रेडिशनल कपल बने हैं और ये दोनों भी एक बच्चा चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार अक्षय कुमार का किरदार इस फिल्म में काफी स्टाइलिश है और कई दिनों से अकी ने इस तरह का किरदार नहीं निभाया है। फिल्म में अकी और करीना का रोल ड्रामा और कॉमेडी से भरा हुआ है और इन दोनों कपल का बैकग्राउंड बिल्कुल भी अलग है। जहां फिल्म में आप सभी को सिचुएशनल कॉमेडी देखने को मिलेगा, वहीं इस फिल्म के जरिए ऑडियंस को मॉडर्न जमाने के पेरेंटिंग देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फिल्म गुड न्यूज इस साल पहले 19 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, फिर रिलीज डेट टलकर 6 सितंबर को हो गई और अब ये फिल्म इस साल 27 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड की सभी चटपटी और मजेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।